आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उसी क्रम में आज शुक्रवार को बाराडी जामा मस्जिद के सामने दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल ने एक सभा रखी थी। उस सभा में काफी लोग आए हुए थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को भी रखा। जितने भी वक्ता थे उन्होंने जो भी बात कही उस बात में काफी दमखम था और लोगों ने कहा कि इस बार मुरादाबाद पंचायत में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हो सका तो फिर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता हाजी सलाहुद्दीन साहब ने की और संचालन मंच का जो संचालन था वो जियाउद्दीन खान ने किया। बता दें कि दिनेश सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। अपने विरोधियों को कहा है कि वो लोग लोगों को देख देख कर वोटर बनाते हैं और वोटर वैसे लोगों को बनाते हैं जो उनके लिए काम करे या उनको उनका वोट जो है उनको जिताने में काम आए। एक रुपये का सह सदस्य बनाकर बाराडी के लोगों को काफी दुख पहुंचाया है। मुझे अगर जीत मिल गई, अगर पंचायत के लोगों ने मुझे चुन दिया तो मैं हर घर से वोटर बनाऊंगा। और ये दावा किया उन्होंने कि मैं सबको सदस्य बनाऊंगा, सह सदस्य कोई नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने सभा में की है जिससे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। बैठक में शकील खान, कृष्णा सिंह, कृष्णा प्रसाद, शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना, अजय राम, सरपंच बीरेंद्र कुमार, सरपंच सुनील सिंह, मेहरुद्दीन खान, संजू, एक्स परिवर्तन के संचालन कर्ता कुमार लौ सिंह उर्फ पप्पू, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, उप मुखिया उमेश सिंह, सुरुजमा खान, अफजल कुरैसी, मुदीन खान। ये दवाई का भी कीटनाशक के लेकर अनेक दवाइयाँ दी जाती है किसानों को, क्योंकि पैक्स से मिलती है। इसके बाद भी खाद का जो काम है, किसान का पैक्स करते हैं, खाद भी लेते हैं और खाद आकर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा काम जो पांचों है, ये पांचों काम में हमारे वर्तमान अध्यक्ष कभी खड़े नहीं उतरते। और ना आप लोग किसान हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे पंचायत मुरादाबाद पंचायत में बाराडी गाँव एक बहुत बड़ी सोशल और किसानी गांव है, लेकिन इस बाराडी गांव को भी अनदेखा किया गया है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को किसान के साथ ये धोखा है। अगर धोखा नहीं है तो विश्वासघात भी है। तो मैं साथियों में इसलिए कह रहा हूं कि वो परिवर्तन की जो लहर है वो काफ़ी चरम सीमा पर है। अभी हमारे वक्ता इनाम साहब सभी लोगों ने कहे कि मैं वोट इतना बढ़ा दूंगा। मैं दावा करता हूँ कि छोटे लाल भाई के नेतृत्व में मुरादाबाद गांव गोलबंद हो चुका है, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष से नीति और रिवाज से और वातावरण से समाज के अंदर घृणा और भिन्न प्रकार की मिजाजें बढ़ चुकी है और वो सिर्फ दक्षिण उत्तर की अब बात कहने लगे। सब चीज़ में वो हारे तो अब दक्षिण उत्तर की बात करने लगे। पैक्स के लोगों को जोड़ने का काम कहने पर मुद्दा पर भड़कने लगे। और सच्चाई बात यही है कि किसानों के साथ धोखा किए हैं। बाराडी ऐसे गांव को जब धोखा किए हैं तो मुरादाबाद के किसान के साथ और धोखा किए हैं। मैं यही कहेंगे कि छोटेलाल भाई का परिवर्तन ये पंचायत की परिवर्तन है। छोटेलाल भाई को आना ये हम लोगों की जीत है। छोटेलाल की जीत ये पूरी पंचायत की जीत होगी। और उनकी जो सम्मान वो कर रहे हैं कि अबकी बार सम्मान दे दिया जाए, मैंने वोट जोड़ा हूँ। उन्होंने हर समय तीनों राउंड में 200-200 वोट जोड़े हैं। मैं दावा करता हूं कि छोटलाल भाई को जिताने के लिए खुदा के दरवाजा पर मैं कह रहा हूं, अगर मैं दिनेश भाई को जिताने के लिए मैं जो बात कर रहा हूं, अगर ये आते हैं, अगर ये हम ये 15 वर्ष में इन्हों या 20 वर्ष में उन्होंने 1600 नाम जोड़े हैं, उसके बाकी नाम हमारे गुरु जी श्रीमान लोग जो थे और आईजी के धर्मेंद्र के पिताजी थे, इन लोगों ने लाए थे 100 से ऊपर, लेकिन उन्होंने जब 1600 वोटें ले आए हैं तो मैं दावा करता हूं कि दिनेश भाई अगर आते हैं, इस पंचायत का अगर सर्वोपरि ताज मोती का माला हम दे देते हैं, विजय ले लेते हैं और मिलने वाली है खासकर, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने 15 वर्ष में 1600 वोट जोड़ा है, कि इन्होंने एक साल में 5 वर्ष के अंतर में इन्होंने 1600 वोट नहीं जोड़ा, तो मैं इनके साथ छोड़कर मैं इनके बगावत में खड़ा हो जाऊंगा। एक दूसरी बात कि किसी के बरगलाने और कहने में नहीं, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। आप किसान हैं, आपके पास संजय सिंह कई बार आते हैं, कितने चीज़ें मैंने पांचों चीज़ बताया, वो चीज़ मुहैया कराते हैं या नहीं कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो आपके साथ विश्वासघात है, और अगर कराते हैं तो आप समझे कि नहीं कुछ ये लड़का गलत बोल रहा है। अगर पांचों चीज़ में कुछ नहीं है तो उनके विश्वासघात को एकदम ऐसा जवाब दे कि उनकी कल ये न सोच में आए कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बुरी हार और इतनी मैं करारी हार होगी मेरी। ये करारी हार के लिए मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ।
मैं छोटेलाल भाई दिनेश भाई से एक भीख मांगता हूँ कि आप सभी मतदाता जो भी मतदाता है मैं उनसे भी भीख मांगता हूँ, जो नहीं है वो अपने घर के वोटर है वो दिलवाने का काम करे। मैं सभी भाइयों को आदाब सलाम प्रणाम और नमस्कार। जो कम समय में गागर में सागर भरे माशाल्लाह। आइए सियासत राजनीति पॉलिटिक्स इसकी तो परिभाषा इतनी लंबी है शायद बयान कोई करे तो सार गुजर जाएगा। इतने बड़ा मशहूर शायर ये कह के गुजर गए दुनिया में रहने नहीं शायद सागर आदमी शायद मरने भाई है तो गलत बोलने में डर लगता है डर भी लेते हैं। बहरहाल तो उन्होंने लिखा है कि सियासत की एक अलग ही जबाँ होती है। वो 30,000 दे रहा है, वो 40,000 दे रहा है, वो 20,000 दे रहा है, वो खस्सी दे रहा है, वो मटन दे रहा है, वो निमकी चिमकी सब दे रहा है, ये सब एक जबान है। उसको प्रधानमंत्री पहले कर दी था इलेक्शन में अगर नहीं कीजिएगा जुमलाबाजी तो जीतिएगा कैसे, ये सब ध्यान देना है। उन्होंने लिखा था कि सियासत की एक अलग ही जबान होती है, अगर लिखा है इकरार तो इनकार समझना है, अगर लिखा है इकरार तो इनकार समझना है। सियासत के खिलाफ में मत फंसिएगा, वह इनकार में जीता रहता है। सियासत एक अजीब चीज़ है। आइए समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा बड़ा प्रेम पूर्वक और निहायत ही आदर के साथ सम्मान के साथ श्री कुमार लव सिंह उर्फ पप्पू साहब आए मंच पर और लोगों को अपने मुख बिंदु से लोगों को संबोधित करें। चाचा जी नमस्कार, मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित अभिभावक एवं हमारे सभी जनता जनार्दन सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो ये तो आज जो मीटिंग रखी गई है ये परिवर्तन के नाम पे रखी गई है। अगर कभी मौका मिला तो हम यहाँ पोल खोल मीटिंग रखेंगे। संजय सिंह की काली करतूत के बारे में हम अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं, लेकिन समय अभाव है, इसके लिए पोल खोल इस रैली को न मानते हुए परिवर्तन के नाम पे ही हम इसको चलते हैं। संजय सिंह क्या हैं? हमारे पैक्स के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, यह इनका काम है सिर्फ लड़ाना और तोड़ना। एक समय कम है, हमने काफ़ी कल इनका पोल खोला था, जो कि समय नहीं है इसके चलते सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पूरा पंचायत पूरा पैक्स जानता है कि हम छोटेलाल भाई के साथ हैं। उन्होंने क्या किया हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें समाज में एक मुद्दा बनाने के लिए? उन्होंने मेरे पिताजी को बहला करके फुसला करके अपना जो है समर्थक और प्रस्तावक बना दिया। क्या ऐसा होता है कि जिस घर का जो व्यक्ति खुलेआम समर्थक हो उसके घर के किसी बाप को भाई को प्रस्तावक समर्थक बना दिया जाए? क्या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिला कि जो आपका प्रस्तावक बन जाए? तो ये परिवार तोड़ने के लिए कि बाप बेटे को लड़ाने के लिए उनका काम ही है बाप बेटे को लड़ाना। फिर मेरे भाई को 10,000 या 20,000 रुपया बहला फुसला करके दे दिए और कहे कि चलो बाबू चलो घूमे, और उनका कार्यकर्ता कर हमसे कहता है कि तू अपन भाई के वोट ले ले। अरे भाई कहाँ से ले ले, 20,000 तू दे तो वोट हम कहाँ से ले ले। यही अनेकों प्रकार के प्रलोभन आप लोगों के पास आएंगे। वो इंसान सिर्फ तोड़ने का काम करता है जोड़ने का नहीं, इसलिए इस परिवर्तन को तोड़ने का जो उनका है नियत इसको परिवर्तन कर दीजिए और जोड़ने वाले के साथ में आप लोग आइए। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है, यही विनती है, इन्हीं आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को बोलूँ। बातें बोल गए आप, बात सुनना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि अध्ययन से मनन कीमती होता है, बात सुनने से ज़्यादा समझना चाहिए इंसान को इशारों। आइए समय नहीं है क्योंकि फ्राइडे है, अभी खाना भी नहीं खाया, इसलिए बिला ताखीर समय को बचाते हुए अब मेरे ज़बाँ पर जो नाम आने वाला है किसी का कदम किसी का दिल हिलने वाला है।
किसी का कदम तो किसी का दिल हिलने वाला है। एक टॉप वक्ता बेहतरीन स्पीकर जो करीब करीब बिहार के कई राज्य में भी जा चुके हैं, और चाहे चौखंडा चितौली का स्कूल हो, चाहे भूषण पार्क का मैदान हो, हर जगह अपना छाप छोड़ देते हैं। अब बेहतरीन वक्ता हैं, बेहतरीन स्पीच देते हैं। अब मैं चाहूँगा नहायती अदब एहतराम के साथ मेरे बचपन के बड़ा अजीज दोस्त प्रिय मित्र जनाब हाजी सलाउद्दीन खान साहब उर्फ नन्ने खान साहब आए मंच पर और लोगों को संबोधित करें और आज का जो विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डालें। हम लोग इसका नाम लूँ बस सचिन साहब और इधर हमारे बैठे हुए जितने जो हमारे भाई हैं, कोई हमारा मामू है, कोई हमारा चचा है, किसी के हम चचा हैं, सबको सलाम वालेकुम। दोस्तों ज़्यादा चूँकि जाहिर सी बात है कि जब हमें भूख लगी है तो हमें अंदाज़ा है कि आपको भी लगी होगी, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। बस कम वक्त में जैसे हमारे बाकी वक्ताओं ने कहा, मैं भी बस कम ही वक्तों में एक बात बस कह के निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शेर है और हमेशा हमारे जयउद्दीन साहब हम दोनों शेर से ही शुरुआत करते हैं कि तुम लाख सर तराशो सच्चाइयों का, लेकिन तुम लाख सर तराशो सच्चाइयों का, लेकिन मैं सच सदा कहूँगा जब तक दबा रहे। उसको मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस जगह बोल रहा हूँ, कल मैंने मुरादाबाद में भी बोला, भोला पर भी बोला, कल और परसों से पहले मैं कहीं नहीं बोला, सिर्फ मैं अपनी बातों को बयान कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, आपका हक है, आप अकलमंद हैं, मेरे कहने से आप कुछ नहीं कीजिए। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये चीज़, मैं अपनी बस्ती में हमारे बहुत सारे वोटर हैं, मैं पहचानता भी हूँ कि कौन वोटर इसमें है कौन नहीं। मैंने एक आदमी को भी ये नहीं कहा कि आप छोटे लाल जी को वोट दो, लेकिन मैं पहले की बात को छोड़ता हूँ, तीन चार दिन पहले आप सबको पता है, कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरी दुकान बाराडी पुल पर है और उसके रूम मालिक जो है वो सुशील सिंह है। जब हम कहीं अपने बस्ती के किसी आदमी को ये नहीं बोला कि कहीं वोट दो, तो हम कैसे प्रचार किया छोटे लाल जी? अब उनसे जब जाके कहा गया कि सलाउद्दीन गुरुजी जो है वो सलाउद्दीन सर है, आपके मार्केट में उनकी दुकान है, आप उनके पर दबाव डालिए, वो कि उनकी तरफ मत रहे, किया यही तरीका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अब जाहिर सी बात है बहुत अच्छा बदनाम हुआ। दूसरी चीज़ ये है, अक्सर मैं सुनता हूँ लोगों से, आपसे, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हमसे अकलमंद हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। अरे भाई, वोट देना मेरा अधिकार संविधान से हमको प्राप्त है, हमको संविधान से हक हासिल है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम आना, 18 साल के बाद किसी का नाम आ जाना, ये हमारा संविधानिक अधिकार है। अगर हमारा नाम आ ही गया है तो किसी का एहसान है क्या? कोई एहसान नहीं है। अगर वोटर लिस्ट पे नाम आ रहा है तो कोई किसी का एहसान नहीं है इन सब चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये है, जयउद्दीन साहब यहाँ मौजूद है, जब उनसे मेरी बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, मैंने उनसे अपने तमाम शिकायतों को किया, जैसा कि इन्होंने अभी हमारे जो पप्पू सिंह बोल रहे थे, ये आपको बता दूं कि ये श्री रामचंद्र सिंह जो आइडियल स्कूल के ऑनर थे, मैं वहाँ भी पढ़ा चुका हूँ, ये उनके सुपुत्र हैं और मेरे शागिर्द और शिष्य हैं। बगल में ये भी राजपूत ही मोहल्ला से बिलोंग करते हैं, जो हमारे साथ आइडियल में पढ़ाया है, श्री कृष्णा सिंह। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि तमाम चीज़ें मैं दो को गिना रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप जैसा जयउद्दीन साहब ने कहा कि मत आपका है, आपको देना है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको जहन दे दूँ कि यहाँ पर सब पढ़ा लिखा तबका है, सब लोग पहचानते हैं, सब जानते हैं कि केरला सबसे बड़ा ऐसा स्टेट है एजुकेशन के मामले में, जो उससे पढ़ा लिखा कोई स्टेट है ही नहीं।
तो वहाँ का एक जो विधानसभा का इलेक्शन होगा तो आप ऑटोमेटिकली देखा होगा कि 5 साल वो अगर कांग्रेस पार्टी को रखती है तो 5 साल जो है वो दूसरी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी को रखती है। मैं अपने वोटरों से गुजारिश करूंगा कि 19 साल बहुत हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है, आप 5 साल इनको मौका दीजिए, अगर अच्छा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल के बाद दूसरे को मौका दीजिए, तभी हमारा विकास होगा। अगर हम एक ही को पकड़े रहे तो अहंकार हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना पसंद करता हूँ, देख लीजिए 15 साल केंद्र सरकार में मोदी जी का हो गया तो कितना अहंकार आ गया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, जब 15 साल अब 20 साल किसी का होगा तो भाई उसके अंदर अहंकार, आप हमको भी अगर 15 साल बनाइएगा तो हमको भी अहंकार आएगा। इसलिए जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है कि परिवर्तन तो जरूरी है, चेंजिंग जरूरी है, अगर ये अच्छा करते हैं तो 5 साल के बाद ये अधिकारी हैं, आप खुद ही कहेंगे कि नहीं इनको मिलना चाहिए, अच्छा नहीं काम नहीं करेंगे तो बदलेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आखिर में जियाउद्दीन साहब, मैंने हमेशा कोशिश किया है क्यों ये हवाओं के झकोरों कहाँ आगे लेके निकले, ये हवाओं के झकोरों कहाँ आगे लेके निकले, मेरा गांव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, हम तो बुल्ले के यहाँ भी रह जाएंगे, हम तो शकील खान साहब के यहाँ रह जाएंगे, लेकिन मैंने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो अपने गांव के मतदाताओं को बढ़ाने की बात कही है। हमेशा हमने कहा 12 गांव में कम से कम 400 नाम आना चाहिए, लेकिन अभी हम 60-70 में घूम रहे हैं, मेरा नाम हो ना हो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे बस्ती के हर एक घर से अगर किसी ने भी नहीं जोड़ा, मैं छोटे लाल जी यहाँ मौजूद हैं, कला जुमला है, लेकिन याद रखें कि हमारे बस्ती का अगर 300 से 400 वोट नहीं आया तो मैं इस मन से आपसे बोल रहा हूँ कि अगला 5 साल अगर अध्यक्ष बनेंगे और नहीं जुटा हमारे बस्ती का नाम तो सबसे पहला विरोध मेरा होगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें और कोशिश करें कि हम इन तमाम चीज़ों को करें। मैं समझ सकता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसा ना हो कि 4:15 यहीं हो जाए तो फिर हमको फिर यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफिज़। अभी तो दिनेश सिंह को बोलना था छोटे लाल सिंह को, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ चंद मिनट के लिए कि अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पूर्व पार्षद श्री कृष्णा सिंह मुरादाबाद मंच पर आएँ और अपने मीठे मीठे वाणी से लोगों को संबोधित करें। विषय वस्तु पर प्रकाशता महोदय को हार्दिक स्वागत करता हूँ और जो जयराम साहब है उनको स्वागत करता हूँ। और वही किसी की बात तो आदमी को मद हो जाता है, रामचरित मानस में भी आया है, बात आया है कि जब सत्ता मिल जाता है, जब आदमी राजा हो जाता है तो उनके अंदर अभिमान हो जाता है, लगता है जैसे हमको रियासत के रूप में मिल जाता है, ये भूल जाते हैं कि इसका मालिक प्रजातंत्र के तहत जनता है। तो तीसरी बात, यह जो सहकारिता है, पैक्स है, यह किसानों का, यह जो है किसानों का, इसमें नाम पहले किसान को जोड़ना चाहिए, भले ही वो अपना खेत न हो, दूसरे के खेत में काम करते हो, मनी पटैया लेकर के करते हो, उनका भी अधिकार है। तो पहले किसान का नाम जुटना चाहिए। हम समझते हैं यहाँ जो हैं जितने लोग हैं शिक्षित समाज और किसान अधिक, हम समझते हैं कि अधिकांश लोगों के पास जमीन है, ज़्यादा ज़्यादा भी जमीन है, हमारे भवन में सचिव साहब हैं और आपसे मुख्य हैं, तो यहाँ तो नाम जुटना चाहिए, लेकिन होता क्या,
जो किसान नहीं है, जो किसानों के बारे में नहीं जानता है, वह कभी खेत में नहीं गया है, उसका भी नाम जोड़ देता है। अब बताइए, यह उचित है? यह वोट लेने का एक जो है सौकाक है, और कहना मैंने आसान पड़ता है, थोड़ा कहने में हमें थोड़ा संकोच कर रहे हैं, किसी को ठीक लग जाएगा, लेन देन हो जाता है सर। मारे कौन जाते हैं? किसान मारे जाते हैं। एक बात और हम कहेंगे अध्यक्ष को, अगर किसान हैं तो साल में दो बार किसानों का मृत्यु होना चाहिए आपस में, है ना? यह बहुत जरूरी है, तब वह किसानी से लाभ कुछ उठा सकेंगे। तो यह सब होना चाहिए, परिवर्तन तो होगा ही, माध्यम तो हम लोग हैं, परिवर्तन होना ही है, यह तो अल्लाह का देन है। तो हम समझते हैं कि परिवर्तन कल क्यों हम देखें सभा हमारे यहाँ हो रहा था, पहले हम कन्फ्यूजन में थे, लेकिन कल जब मैंने उनके साथ भीड़ देखी और जो मीटिंग देखा, इससे हमको स्पष्ट हो गया कि दिनेश जी अगला मतलब पैक्स अध्यक्ष, भावी पैक्स अध्यक्ष हो। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि परिवर्तन में सहयोग करें और दिनेश जी को वोट देकर के अच्छे मतलब से। अब दिनेश जी के ऊपर रह जाता है क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, इनके अंदर भी मत हो गया तो मालिक तो हम मतदाता मालिक फिर देंगे, ठीक हो जाएगा, परिवर्तन तो होता है। इसी भाई के साथ में मेवाली को नाम देता हूँ, जय हिंद, जय भारत। बड़ी बेहतरीन बात कह के गुजरे, सुनने के लायक, समझने के लायक। आइए, वक्त की कमी है, थोड़ा से आप लोग का मूड बना देते हैं, दो मिनट कुछ बात, दो सेकंड के लिए हंसने आसानी की भी हो जाती है, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ रघुवंशी, एक तरफ कृष्णवंशी, ये बैठे हुए हैं आपको रघुवंशी, जदुवंशी। तो हमने एक दिन कहा था, संजय भाई ने कहा बार बार कुछ कहिए कहिए कहिए, वहाँ पर अपने इसमें तोड़ी जो निकाले हुए थे, बहरहाल हमने एक मजाहिया शेर कहा था कि भाई जल की मछली तो फंस गई बंसी में, जल की मछली फंस गई बंसी में, आज जनता फंस गई रघुवंशी जदुवंशी में, जनता फंस गई रघुवंशी में जदुवंशी में। बहरहाल दो बंसी के बीच में हम लोग मारे जा रहे, टांट टांट के लोग बर्बाद कर दिए, बहरहाल मजाक की बात नहीं। आइए, कल एक लड़का बड़ा सवाल किया, सुलझा हुआ हमसे, गांव के बेहतरीन लड़का, थोड़ा नाम छुपा रहे कि चचा ये दिनेश सिंह, संजय सिंह, दिनेश सिंह, तो 15 साल में क्या काम किए नहीं किए, अभी आपका नाम जुड़ा है, आप जैसे गांव में आदमी का नाम अभी जुड़ा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या कीजिए भाई, हम तो बैठला का आदमी है, अपने वक्त के हीरो संजय सिंह, आरिफ बाबू, तनवीर बाबू, तनु बाबू हो गया, समझे कि हमारा नाम अभी जुड़ा, हम समझ में नहीं आया क्या कमी थी हमारे अंदर। बहरहाल क्या दिनेश बाबू नहीं जोड़ेंगे तो गारंटी है, वो भी कर सकते हैं। अब हमने कहा दिनेश बाबू नाम नहीं जोड़ेंगे तो उस समय हम एक शेर बोलेंगे, उस समय का शेर अभी सुना दे रहे हैं। दिनेश बाबू आपके लिए एक थ्रेटिंग, एक चेतावनी है, कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, पर खड़े नहीं उतरेंगे तब, कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, लगा देंगे आग चिलमन में, न ये झांके ना वो झांके, लगा देंगे आग चिलमन में, न ये झांके ना वो झांके। ये चिलमन का सही इस्तेमाल कीजिए आप लोग, आप लोगों के देखने का दृष्टि है, इसलिए मैं बड़ा अदब के साथ
ये मजाहिया शेर था सुनने आने के लिए हमारे हम जोड़ी है दोस्त भी हैं। मैं नहायती अदब एहतराम के साथ मैं चाहूँगा कि इस इलाका के मैनाथ प्रहलाद की जो भूतपूर्व BDC भी है, हमारा दोस्त भी है जनाब दिनेश सिंह और छोटे लाल, आप लोगों को संबोधित करें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला की कार्रवाई खत्म कीजिए। इनका भाषण सुने अच्छे ढंग से सुने, मिस्टर दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल तुर्की। चलिए मैं नहायती अदब एहतराम के साथ मैं चाहूँगा कि इस इलाका के मैनाथ प्रहलाद की जो भूतपूर्व BDC भी है, हमारा दोस्त भी है जनाब दिनेश सिंह और छोटे लाल, आप लोगों को संबोधित करें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला की कार्रवाई खत्म कीजिए। इनका भाषण सुने अच्छे ढंग से सुने, मिस्टर दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल तुर्की। चलिए गाँव में सभा का अध्यक्ष कर रहे हैं गुरु जी एवं संचालन कर रहे हैं दरोगा जी एवं इस सभा में जुटे तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से प्रणाम सलाम अदा करता हूँ। साथियों आज पैक्स चुनाव का समय आया हुआ है, उसके लिए आज हम दबा रहे हैं अध्यक्ष के लिए, हम सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम इनके विरोध हैं वो भी जानते हैं। अगला जो कैंडिडेट है 19 साल से अध्यक्ष बना हुआ है, ये बारह डीघा संख्या लगभग 3,000 है, इस गांव की संख्या लगभग 3,000 है और इस गांव के वोटर कितने हुए 80 यहाँ 90 टोला, मैंने 170 और पूरे पंचायत में अभी तक एक से मतदाता है 1882। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस गांव के साथ संजय सिंह बहुत मेहरबानी कर रहे हैं और उन्हें फिर रखना चाहिए तो बेसक देख सकते हैं अध्यक्ष बनने की कोई समझ, हम अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं परिवर्तन के लिए, पंचायत में परिवर्तन हो। इस बार हम लोगों के पैक्स में 400 नाम जुटा है, 400 नामों में 12 दी का अधिकार कितना मिला है 40 नाम, जो 12 दी गांव का 40 नाम का अधिकार मिला उससे ज्यादा तो अदर पंचायत का मिल गया जो हमारे पंचायत में नहीं है, 50 नाम अदर पंचायत में जुटा है जो कि आप लोगों के अधिकार का हनन हो, जिसका अधिकार है उसको नहीं मिला। चलिए 40 नाम जुटा, उस 40 नाम में भी केवल 4 नाम जो है सदस्य में है, वो 4 नाम कौन है 5 नाम मैं सुना देता हूँ। वो 4 नाम केवल जो जुटा है जियाउद्दीन खां, सैयद मोकीतुल हसन, रोबीन अहमद, ये 3 हुआ और 2 नाम जुटा है जमीर अहमद और राजा खां, ये लोग केवल सदस्य हैं, बाकी सब सदस्य 1 रुपया के, उन लोगों की औकात उन्होंने 1 रुपया का देखा कि आपकी औकात केवल 1 रुपया का है। उन्होंने जितने लोगों के नाम जोड़े हैं केवल अपने खासम खास उनकी 2 पतोहू है वो सदस्य है, बाकी जितने लोग हैं सब सदस्य। अरे भाई मेरा नाम जोड़ रहे हैं हमसे 11 रुपये 21 रुपये ले लो, हम क्या कटक रहेंगे, जब मेरा नाम जोड़िए रहे हैं तो मेरा नाम 1 रुपया में क्यों रख रहे हैं, इसलिए रखते हैं कि मेरे विरोध कोई चुनाव न लड़े, केवल आप हमें वोट दीजिए
आप मेरे लिए इस्तेमाल होइए। कभी मेरा विरोध न कीजिए। तो अगर ऐसे लोगों को आप लोग रखना चाहते हैं तो रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। जी ढंग से आप लोग जी रहे हैं, सारे पंचायत के लोग जी रहे हैं, ये छोटे लाल भी जी रहा है, लेकिन हमने बीड़ा उठाया कि नहीं, इस पंचायत के कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, छोटे लाल उनके साथ रहेंगे। ये बीड़ा हमने क्यों उठाया? मुरादाबाद के लोगों के लिए उठाया, क्योंकि पिछले चुनाव में वहां लोगों ने, उन लोगों ने आवाज उठाया कि मुरादाबाद से बाहर जाइए, तो गांव के बदनामी हुई। तो उन्होंने तो मुरादाबाद के लोगों के लिए कहा, तो उस बात को तुर्की और बराडी की लोगों को समझना चाहिए कि जब अगर वो अपने गांव के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं तो फिर मेरे पास के वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? ये बातें आप लोगों से पूछनी चाहिए। आप लोगों से पूछिए कि आप जब भरी सभा में ही बात कह रहे हैं कि मुरादाबाद से ई अध्यक्षता नहीं जानी चाहिए, तो फिर हम लोग आपको क्यों? आप तो दो नजरिया से देख रहे हैं। दो नजरिया देखने का कारण भी है, आप लोग मोबाइल पर सुने होंगे, वो इस पैक्स को हस्तिनापुर कह रहे हैं कि ये हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर का राजा कौन था? आप लोग जानते होंगे, धृष्टराष्ट्र अंधा, जो अंधा था। तो वही धृष्टराष्ट्र संजय सिंह है वो। अब हम, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं कि हस्तिनापुर बेचा जाए। अगर हम हार जाए तो हस्तिनापुर बेचा जाए, इसका मतलब हुआ कि हस्तिनापुर के वो अंधा राजा हैं जिसको देखने का औकात नहीं है, केवल सुनने का है, और उसी नजरिया से वो सारे लोगों को देखते हैं, क्योंकि उसी सभा में उन्होंने, उनके वक्ता ने कहा कि इस युद्ध में कि एक तरफ कृष्ण बैठे हुए हैं, तो कृष्ण का क्या कर्तव्य होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि कृष्ण किनके साथ थे। अरे जिसको तुम दुर्योधन कह रहे हो, तुम तो उनके साथ हो, क्योंकि राजा तो वो बना हुआ है ना, कि अर्जुन राजा बना था। अर्जुन राजा नहीं ना था, अर्जुन तो अपना हक मांग रहा था कि हमें हक चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बात को कहा कि नहीं, हम कृष्ण हैं और अर्जुन के साथ है। अरे दुर्योधन के साथ रहने वाले अपने को कृष्ण कहते हो? तो इस बात को आप लोग समझिए। और मेरे पीछे के वक्ताओं ने कहा नाम जोड़ने का, ये सत्य बात है कि मेरे जीतने के बाद हर व्यक्ति मतदाता होगा और कोई 100 सदस्य नहीं रहेगा। जितने भी पहले के मतदाता हैं सबको सदस्य बनाया जाएगा। अभी तक जितने भी मतदाता इस पैक्स में हैं, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप मैट्रिक पास कर गए लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट अध्यक्ष जी के बक्से में बंद है, जब मन करेगा आपका नाम हटा देंगे। आपका नाम हटा देगा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्या कीजिएगा? लेकिन जब ये दिनेश जी अध्यक्ष बनेगा तो सारे लोगों को आम सभा करा करके जो व्यक्ति जीतने का सदस्य बनना चाहेगा उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपका नाम हटाने के अवकाश नहीं रखेगा।
कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने पैक्स में किया क्या किया, लेकिन समय कम है, ये सब सारी बातें नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उसके अभाव में आप लोग जी लेंगे। लेकिन जो मतदाता होने का प्रमाण है, जो आपके पास नहीं है, वो सबसे बहुमूल्य चीज है। अभी आपके सामने जीता जाता उदाहरण है, पहले इनका नाम था लेकिन उन्होंने हटा दिया, कारण है कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मुरादाबाद के कई लोगों ने कहा कि मेरा नाम था हट गया, कारण है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो उनके घर में है। तो मेरे जीतने के बाद जितने भी लोग हैं सबका प्रमाण पत्र मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। और किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि मतदाता नहीं होंगे। और मैं हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष नहीं बनूंगा। मैं आज मस्जिद के सामने कहता हूं कि मैं केवल परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं, और आने वाले भविष्य में जब पंचायत चुनाव होगा अध्यक्ष का, तो मैं खुले मन से ऐलान करूंगा कि आप लोग किसको समर्थन करते उसको लड़ा दीजिए, छोटेलाल नहीं लड़ेगा। अगर हमको कमाने का शौक होता तो बहुत सही धंधा खड़ा है। भगवान ने जब बुद्धि दिए हैं तो धंधे का कमी नहीं है, जब कमाने का है तो। लेकिन मैंने इस पंचायत की मान सम्मान को रखने के लिए और आने वाले 5 साल फिर इस तरह का माहौल बने और आपका अधिकार का कुछ हो, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और विशेष बात न कहते हुए आपसे ये भी, अभी सारे लोगों ने कहा कि वहाँ वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद से चल जाइए अध्यक्षा पोस्ट, तो बड़ा बदनामी हुई। थोड़ा सा बताई जा कि गोदाम तो वही ना रही है, जो गोदाम बना है, मिल बना है, जहाँ बन गया है वही ना रहेगा। तो उस सब भावना में वहाँ के लोग बहते होंगे, इस भावना से तो यहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि मात्र एक बार मौका दे और उसके बाद मेरे कामों को पहचाने कि ये छोटे लाल उनसे बेहतर निकलता है कि घटिया निकलता है। अब विशेष बातें न कहते हुए मैं सारे लोगों को नमस्कार प्रणाम सलाम करता हूँ। मीन साहब एक बात बोलना चाहते हैं। मीटिंग में जितने मराठी के निवासी आए हुए हैं आज छोटे लाल की तरफ से पश्चिम नौसी खां के बाड़े में पार्टी का रात में आयोजन किया गया, आप सभी से गुजारिश है कि आप रात में खाना खाना होगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय और जनाब दिनेश साहब की अनुमति लेते हुए हमारे बाबा दर्शन डायरेक्टर सभी को और हमारे शकील भाई भी हैं, चुनाव भी जा चुके हैं, हमारे डीडीसी वार्ड पार्षद जनाब ऐसा राजा साहब है, सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नाम किसका लूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जर्रा जी जगह है भाई आफ्ताब है। और आज इसी वक्त अब इस सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अगर हमारे कहने में या हमारे वक्ताओं के कहने में कुछ दोष त्रुटि हुआ हो, त्रुटि हुई है, गलती हुई है, आप लोग माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय विज्ञान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।